है आलू गोश्त, चिकन आलू गोश्त इसके लिए मेरे पास 2.5 किलो पहले किसान अदरक के फेस्ट है मशीन से मैंने निकाल दिया था। ये 10 किलो मेरे पास चिकन है तो उसमें तकरीबन जाएंगे 8 किलो के आलू जाएंगे। इसके लिए गरम मसाला निकाल देंगे, ये दालचीनी है, ये काली मिर्ची जाएगी, इसमें लौंग जाएगी, काली इलायची, छह किलो टमाटर भी ये डाल देंगे। थोड़ी सी हल्की हल्दी लगा देंगे, थोड़ा सा हल्का उबाल आ जाएगा उतार देंगे इसको। मैं हल्दी लगा दी, ये नमक की एक मुट्ठी भी लगा देंगे। ये हल्दी निकाल दी, ये 1.5 चम्मच जाएगा। आपने पता दाल मिर्ची निकाल देंगे 1.5 चम्मच। हल्का सा ये व्हाइट पेपर जाएगा, गोल मिर्ची जाएंगे, गोल मिर्ची जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, नमक ये जाएंगे, कटर धनिया कटर भूंगे, टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है, अभी जाएगा मसाला। अभी इसको थोड़ा हल्का सा पानी लगा दें, मसाला मेरा तैयार हो गया है। अभी मैंने चिकन की भुनाई कर दी है 10 मिनट, 10 मिनट इसकी मैंने भुनाई की है चिकन की। अभी जाएगा इसमें ब्राउन प्याज, ये 1 थैली है 1/2 किलो वाली। अभी इसके भुनाई करके फिर इसमें जाएगा पानी, फिर पानी की जरूरत इसकी पूरी कर देंगे, इतना हमारे को पानी चाहिए, मेरे भी चाहिए। इसकी भुनाई करें, चिकन गल गया है, इसमें डालेगा पानी डाल दूंगा मैं और आलू ऐड कर दूंगा। आ गया है, अभी आलू को देखते हैं, आलू को उबाल आ गया है, इसको भी हटा देंगे, ये फुल नहीं गल गए। डाल के इसमें जो है ना पानी पानी डाल दूंगा, अभी इसका बुनाई सही तरीके से हो गई है। अभी इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे, आलू आलू जो है हमारे पक जाए। ढकना हटा के इसका 10 मिनट हो गए, माशाल्लाह आलू जो हमारे गल गए। आलू भी हलवा हो गया, रोटी इसको लगा देंगे, तभी जाएगा हरा मसाला, मिर्ची काटी हुई है मेरे पास और धो लिया, अभी इसको उतार देंगे, अभी इसको हटा देंगे, अभी टोंगे में निकाल देंगे। तो